प्रभात प्यारे बच्चों, हम जो पाठ पढ़ रहे थे रक्त और हमारा शरीर, आज हम उसे आगे समझेंगे। अनिल की जिज्ञासा बढ़ने पर डॉक्टर दीदी खून से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी यह अनिल को बताती है और कहती है कि हमारे खून में बहुत से छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से दिखाई देते हैं, और इन रक्त कणों का जो रंग होता है, कुछ का लाल, कुछ का सफ़ेद, और कुछ ऐसे भी कण होते हैं जिनका कोई भी रंग नहीं होता है, और ये सभी हमें सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से दिखाई देता है कि हमारे रक्त में बहुत सारे कण मौजूद होते हैं। आगे अंत में डॉक्टर यह समझाती है कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही यह कण दिखाई दे सकते हैं। आप लाल रक्त कणों की जानकारी देते हुए डॉक्टर कहती है कि लाल रक्त कण हमें बालूशाही के समान दिखाई देते हैं, और यह हमें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही इस प्रकार दिखाई देते हैं। साथ ही डॉक्टर बताती है कि जो हमें एनीमिया रोग होता है वह संतुलित आहार लेने से खत्म किया जा सकता है, उस रोग का निवारण किया जा सकता है। संतुलित आहारों में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, लौह तत्व सभी मौजूद होते हैं जो खून की कमी को दूर करते हैं, इसलिए हमें हमेशा संतुलित आहार लेना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।